गीता जयंती। आज इतवार का दिन है और पहला इतवार है जो गीता जयंती का कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, आगाज हो चुका है और आज पहला इतवार है जहां पर इतवार के दिन सबकी छुट्टी होती है। छुट्टी के दिन सभी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, एक बार कैमरामैन दिखाएंगे कि किस कदर लोग यहां पर भारी संख्या में मौजूद हो रहे हैं। और अभी सुबह का टाइम है और लगातार लोग यहां पर आवागमन बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी मेरी पिछली साइड में ही देखेंगे कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, हम इनके पास चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस कदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां पर हमारे बीच हो जा रहा है। ये बाहर से जो कलाकार आए हुए हैं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि निरंतर गीता जयंती का जो आगाज है हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। और जैसे कि जहां से देश विदेश से पर्यटक आने वाले हैं, तो देखना ये है कि विदेश से यहां कितने पर्यटक आते हैं और यहां पर अपनी क्या भूमिका निभा पाता है कुरुक्षेत्रा, जो बोर्ड है कुरुक्षेत्रा डेवलपमेंट बोर्ड है, KDB बोर्ड है, उसने बहुत ही एक अच्छा व्यवस्था की है यहाँ पर। हर प्रशासनिक यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है हमारे बीच, हम दिखाएंगे कि किस कदर पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है और हर जगह हर कोई पड़ा है कि अपना ड्यूटी पे पाबंद है। सभी लोग KDP अपनी सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं कि हर जगह हर प्रॉपर व्यवस्था बनाई जाए। और क्या मैं प्रॉपर से हर बार न्यूज़ लगातार देता रहूँगा, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से देश विदेश से जो स्टॉल लगाने के लिए लोग आए हुए हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच यहाँ पर भाई मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस कदर यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। नमस्कार सर। आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड, एंड व्हाट यू आर गेनिंग फ्रॉम दिस गीता जयंती उत्सव? वी आर हियर फॉर शोकेस आवर कल्चर एंड आवर प्रोडक्ट्स फॉर we brought from Thailand, so we are selling here. You are coming from very first year? Yeah, you are coming from every year. And this is my first year in India. And what you are hoping from the people of Kurukshetra and people of India? What you are hoping? How you are feeling here? I feel very warm, welcoming. The people are good and they have good hearted. So ये थे हमारे जो थाईलैंड से आए हुए हैं। अभी हम हाल ही में यहाँ पर और आपको मिलवाएंगे, यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है हमारे बीच में। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग? फ्रॉम वेयर आर कमिंग? थाईलैंड। एक बार इनके अंदर जाके, शॉप के अंदर जाके ही बातचीत करेगी इनसे। अ पर्सन इज वन, दोबारा क्लिप बनाइए। A person also coming from Thailand is with us, that we are talking about the work which he is selling, the products which he is selling here. Namaskar. Hello. Okay. You are coming from which? Chiang Mai in Thailand. Okay. What you are feeling here by selling these products? How you are feeling that Indian peoples are in cooperation with you? So, as of this is second day, so no much idea about we has. But compared to other fair, we have roam around different states. So this is our first time participating in this area and this. So no much idea as of now. Let it come 3-4 days. जिस हिसाब से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है और बहुत ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, CCTV कैमरा लगाए गए हैं। हमारे बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला पुलिस बल भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। जिस हिसाब से ये पुलिस मुस्तैद है, चप्पे चप्पे में नजर लगी जा रही है, तो आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये दिशा निर्देश दिए गए कि भी कोई भी ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे उस पर नजर रखे, ऐसा कोई आदमी नहीं देखना चाहिए बाहर का कोई। तो जिस हिसाब से हमारे बातचीत की है पुलिस प्रशासन ने कि हमें बहुत ही सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या किसी पे भी शक वाली वस्तु दिखे तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा ही जो पुलिस प्रशासन का साथ मिल रहा है, KDP का साथ मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बात लगी जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, यहाँ पे ई रिक्शा की भी सुविधा दी गई है, ये फ्रंट से दिखाएंगे, फ्री ई रिक्शा दिखाई गई है कि जिनको जो बुजुर्ग और कुछ बीमार व्यक्ति यहाँ पर गीता जयंती पे आएँ तो वो मेले का लुत्फ उठा सकें, क्राफ्ट मेले का लुत्फ उठा सकें। वो 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक फ्री ई रिक्शा की सेवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है कि ई रिक्शा पे बैठकर वो मेले का लुत्फ उठा सकें। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ निरंतर बने रहेंगे। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।